नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर, जो आपको बताएगा कि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्में देखी जाए, उसमें पैसा वसूल है या पैसा फिजूल है, पॉपकॉर्न के भी पैसे वसूल होने वाले हैं या आपको ये फिल्म छोड़ देना है। तो इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली फिल्म है गुड न्यूज, डायरेक्टर राज मेहता की फिल्म गुड न्यूज, जिसमें अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी आपको नजर आएंगे मेन रोल में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी क्या है? मुंबई में रहने वाला ये बत्रा परिवार, यानी अक्षय कुमार और करीना कपूर, एक अपनी सुखी जिंदगी जी रहा है और अब उनके यहां पर बच्चा नहीं है और बच्चे की तलाश में वो बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको जाना पड़ता है IVF ट्रीटमेंट पे, यानी एंटी विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पुरुष के स्पर्म और महिलाओं के अंडों को मिलाया जाता है और उसको कृत्रिम रूप से उसका एम्ब्रियो बना के वुम्ब में सेटल किया जाता है ना, गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो ये एक बत्रा परिवार है और दूसरा बत्रा परिवार पंजाब से आता है, जो कि दलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी निभाते हैं। उनको भी सेम प्रॉब्लम है, इनको भी सेम प्रॉब्लम है और दोनों जब सिमेन का, अपने स्पर्म का, अपने वीर्य का जब सैंपल देने जाते हैं तो गलती से स्पर्म का की अदला बदली हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, ये कहानी है फिल्म गुड न्यूज की। ये डायरेक्टर राज मेहता ने अपने ज्योति कपूर और उनके और एक असिस्टेंट है उनके साथ मिलके ये पूरी फिल्म लिखी है, उसके स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिखे हैं। राइटिंग डिपार्टमेंट में 100 में से 100 नंबर में देना चाहूंगा राज मेहता को, जिस तरह से उन्होंने ये इसका स्क्रीन प्ले गढ़ाया, जिस तरह से डायलॉग्स लिखे, जिस तरह से कहानी को उन्होंने आगे बढ़ाया, वो पूरी तरह से इसमें सफल नजर आते हैं। कहीं भी आपको लूपहोल्स उसका मिलता नहीं है। तो कहानी बहुत सशक्त है, यानी जमीन जो है वहां पर अगर उपजाऊ है तो पैदावार आपको अच्छी मिलना ही मिलना है। तो जब राइटिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, अब मैं बात करूं एक्टिंग की, तो एक्टिंग में अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ, इनका कॉमेडी का टाइमिंग बहुत कमाल का है। तो जिस तरह से ये खेलते हैं चीजों को लेकर, वो बहुत खूबसूरत खेलते हैं। अक्षय कुमार बहुत ही कमाल के कैरेक्टर में नजर आते हैं, उनकी टाइमिंग को देखते ही बनता है, दलजीत और उनकी जो केमिस्ट्री है उसको देखते बनता है। दूसरी तरफ मतलब करीना और अक्षय कुमार की जोड़ी है, कियारा और दलजीत की जोड़ी है, तो इनका ये जो आपसी केमिस्ट्री है बहुत ही शानदार है। जिस तरह से इन सभी लोगों ने परफॉर्म किया है, आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ अलग, ये अलग लोग हैं, आप उस कैरेक्टर में ढला हुआ ही इनको पहली फ्रेम से पाते हैं। तो एक्टिंग फ्रंट पे भी ये फिल्म उतनी ही कमाल की हो जाती है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन में राज मेहता पहली 1-2 मिनट से जो आपको पकड़ना शुरू करते हैं तो पूरी फिल्म में आपको पकड़ कर रखते हैं। कुछ एक सीन्स है जिसमें अक्षय कुमार को उनकी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आप अज्यूम पहले से कर लेते हो कि इसको एन समय पर ये प्रॉब्लम आने वाला है इस कैरेक्टर को, तो वो एक थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है। दूसरा, अक्षय कुमार जब बहुत ज्यादा हंसते हैं उसको लेकर, उनके प्रोनाउंसिएशन को लेकर, वो एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं वो फिल्म के टेक्सचर से थोड़ा सा अलग जाता हुआ लगता था। बाकी मैं सारी फिल्म को, मुझे बहुत पसंद आई है फिल्म। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इन्होंने किया है, इनका नाम है जॉन स्टुअर्ट एजुरी, इन्होंने बहुत ही कमाल का बैकग्राउंड स्कोर इन्होंने किया है। बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म की जान को डबल कर देता है, मतलब इतना सशक्त बैकग्राउंड स्कोर मैं बहुत लंबे समय बाद, सशक्त और सेंसिबल एक लंबे समय बाद किसी फिल्म में देख रहा हूं। म्यूजिक सभी गाने अच्छे हैं, तनिष बागची और दूसरों के सहयोगियों ने गाने बनाए हैं, सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, हालांकि इसको परिवार के साथ आप ये, बच्चों के साथ आप ये फिल्म नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप नए नए शादीशुदा हैं या सिर्फ मियां बीवी हैं या दोस्तों के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं, आपको ये फिल्म देखकर बहुत मजा आएगा। इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशन और कॉमेडी, मतलब आप उसको कॉमेडी करते करते वो कब इमोशन में शिफ्ट हो जाती है फिल्म, वो इतना स्विफ्टली हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। बहुत ही खूबसूरती के साथ डायरेक्टर राज मेहता ने उस फिल्म को ट्रीट किया है।
मैं उनको वाकई सलाम करता हूं। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई, मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3.5 स्टार। गो एंड एंजॉय गुड न्यूज़।